पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सुबह ये सूचना मिली थी, उसके बाद में जो है डीसीपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी के द्वारा जो है मौके का मुआयना किया गया। बाद में जॉइंट सीपी साहब भी गए थे वहाँ पे, और उस दौरान में जो है ये जो विकास श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे विनय श्रीवास्तव को जो है वहाँ पे तीन लड़के जो हैं उसमें अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, इन दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके। इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा, फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे जो है एक खोखा कारतूस बरामद किया, उसके अलावा एक 32 बोर की जो पिस्टल थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको रिकवर किया, और उसके बाद में उस पिस्टल पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसको फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया। उसके अलावा जो है इसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीवी और के साथ में जो है चार टीमें लगाई गई कि इस घटना का अनावरण करें और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करके और एक एक चीज़ का पता करें कि इसमें किस हिसाब से किस प्रकार से जो है ये घटना कारित हुई है। उसी के दौरान में जो है जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, अजय रावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से, और इनसे भी पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, तो जो पूरा घटनाक्रम था वो इस प्रकार से सामने आया है प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक विवेचना के दौरान, कि इसमें टोटल 6 लोग थे उस समय रात को, इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और उस साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे तीन पत्ती। उसी दौरान में जो है तकरीबन 2 बजे के करीब में खाना मंगवाया गया, जो सौरभ था, सौरभ रावत, वो बाहर से जा कर के खाना लेकर के आया, फिर इन लोगों ने खाना खाया है, और 4 बजे तक जो है इसमें सौरभ रावत और एक और बंटी, ये दोनों जो है सोने के लिए चले गए, और 4 लोग जो थे वो इसमें पीछे रह गए, जिसमें विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था। उसी दौरान इन लोगों ने काफ़ी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था, उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी इन अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था, तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया, तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई, हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया, और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी तक प्रारंभिक विवेचना के दौरान में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। इसमें जो है हम लोगों ने आवाज़ से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया है, सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की है, उसमें उस वक्त में यही 4 लोग जो थे वो उनकी उपस्थिति वहाँ पे है। उसके अलावा जो 2 लोग थे, सौरभ रावत और बंटी, वो बाद में जब इन लोगों ने फ़ोन किया तब वो लोग आए हैं, उसकी भी सीसीटीवी में रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी, ये विकास किशोर और उर्फ आशु की है, और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने किया है।